हेलो एवरीवन, माय नेम इज इमहसानअली एंड वेलकम टू द2px। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी इमेजेस को कार्टूनिफाई कर सकते हैं। और आजकल जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेंड में चल रहा है कि वेडिंग कार्ड्स थोड़े कार्टूनिफाई हुए हैं, इलस्ट्रेशन बेस्ड चल रहे हैं, तो आज हम थोड़ा सा अपने फेस को कार्टून बेस्ड बना के और उसका वेडिंग कार्ड बनाना सीखेंगे। तो बिना किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इमेज ओपन कर ली है। हम इमेज को सबसे पहले क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम कोई भी सिलेक्शन टूल लेंगे और सेलेक्ट सब्जेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, हमारी एजेस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और हम उसको मास्क कर देंगे। मास्क करने के बाद राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हमने क्या करना है कि जो हमारी जो ब्राइड और ग्रूम के फेसेस हैं उनको एक अलग लेयर पर अलग फाइल में सेव कर देना है। मैंने क्या किया, यहाँ से मार्कर टूल लिया और सिर्फ ग्रूम के फेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एन किया, नई फाइल खोली और वहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जहाँ पर भी आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, मैं वन के नाम से सेव करता हूँ और इसको एज अ जेपेग सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। ठीक यही सेम चीज़ हम ब्राइड के फेस के साथ भी करेंगे। हमने लड़की का फेस लिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एन किया, नए फोल्डर पे जाके, नई फाइल पे जाके वहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और सिंपली इसको भी सेव कर लिया, कंट्रोल एस किया, सेव एज अ कॉपी किया और यहाँ पे जेपेग सेंड करके इसको टू के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। सही, हम इस फाइल को बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने जो भी फेसेस को कट किया है हम उसको कार्टूनिफाई करेंगे, हम उसको कार्टून इफेक्ट अप्लाई करेंगे। कार्टून इफेक्ट अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि हमने एक ToonMe.com वेबसाइट पर जाएंगे और वहां जाकर अपनी पिक्चर को अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहां पर अपलोड का बटन आ रहा है सेंटर में, आप प्लस पर क्लिक करेंगे या आपसे पूछेगा कि आपकी फाइल कहाँ पर है या कौन सी इमेज को आप कार्टूनिफाई करना चाहते हैं। हम पहले ग्रूम के इफेक्ट को कर लेते हैं, वन प्लस करते हैं, ये अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा और प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, बस आपने क्लिक कर देना है एंड देन वो प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देगा, पहले पिक्चर को अपलोड करेगा। प्रोसेस चलने के बाद आपके लेफ्ट पे काफ़ी सारे जो हैं वो ऑप्शंस आ जाएंगे इलस्ट्रेशन बेस्ड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा 3D लुक लेते हैं। ठीक है, और इसको डाउनलोड इन HD पे कर देते हैं और गॉट इट कर देते हैं, तो ये हमारी फेस डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर डाउनलोड हो गया। ट्राई विद अनदर फेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्राइट के फेस के साथ भी ये सेम चीज़ करेंगे। हमने अपलोड करी, ठीक है, और वो ही सेम चीज़ हम यहाँ से अपना ड्रैग करके फोटोशॉप पे ले आते हैं। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख देते हैं साइड में। सेम सारे फिल्टर्स वो अप्लाई कर रहा है लड़की के फेसेस के साथ भी। सही है, ये लड़की के फेस से अप्लाई हो गया। हमने लेफ्ट साइड पे अपनी पसंद का जो भी हमने कैरेक्टर चूज करना है वो हम कैरेक्टर चूज कर लेंगे। डाउनलोड इन HD, गॉट इट पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड जाएगी। अगेन इसको ड्रैग करके हम अपने फोटोशॉप पे ले आए। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस इमेज में से भी बैकग्राउंड को कट करते हैं। ठीक है, कट करने के लिए अगेन लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कोई भी सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे और उसको मास्क कर देंगे सिंपली। ठीक है, ठीक इसी तरह से इस लेयर को भी करते हैं, सेलेक्ट सब्जेक्ट किया और उसको मास्क कर दिया। ठीक है, और उन दोनों को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया ताकि हमारी प्रॉपर्टीज बरकरार रहे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फेस को इसके ऊपर जो है वो मर्ज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करते हैं फेस की ताकि हम इसके पीछे से एक्सप्रेशन और जो हमारे एक्सप्रेशन हैं वो फेस के वो देख सकें। हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, छोटा करते हैं और इसकी आइज से आइज को मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप हेयर को भी देखते रहें। ठीक है, और एंटर प्रेस कर दिया हमने, इसकी ओपेसिटी ऑन करी। अब हम इस पर क्या करेंगे, हम अब इस पर मास्क लगाएंगे। मास्क लगाने के बाद हल्का हल्का सा उसको साइड से रिमूव करेंगे। हमने ब्रश का साइज छोटा किया और यहाँ से हल्का सा उसको रिमूव कर दिया। यहाँ से हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक।
यहाँ से जो शर्ट आ रही थी वो हमने रिमूव कर दी, थोड़ी सी एहतियात से करना है थोड़ा सा कि कोई मिस्टेक ना हो। सही है, ये थोड़ी सी इसमें पिक्चर इसके फेस में ब्लेंड हो गई। सेम यही चीज़ हमने लड़के के फेस के साथ भी करनी है। हमने उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करी, उसके फेस से मर्ज करने की कोशिश करी। सही है, हमने ओपेसिटी इसकी वापस बढ़ाई और उस पर मास्क लगा के मास्क पे क्लिक किया और ब्रश से इसको एक्स्ट्रा चीज़ों को रिमूव कर दिया। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसका फेस नज़र आ रहा है पीछे से, अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि उसका फेस पीछे वाला छुप जाए। ठीक है, अब हम यहाँ से इसकी गर्दन को थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं ताकि जो ये ओवरलैप हो रही है इसकी शेरवानी पे वो ओवरलैप ना हो। ठीक है, इसको हल्का सा ट्रांसफॉर्म करके हमने इसको यहां पे कर दिया। अगेन ब्रश टूल से लेके, ठीक है ये हो गया। हम इसके बालों के साथ भी थोड़ा सा रिमूव करते हैं, थोड़ा ध्यान से करना है। कि वो उसके बालों में ब्लेंड भी हो जाए और बुरा भी नहीं लगे। हम एक काम क्या करते हैं, हम एक सॉलिड लेयर भी ले लेते हैं बैकग्राउंड की ताकि हमें पता चल जा रहे, वाइट बैकग्राउंड रख के इसको मूव कर देने ताकि हमें पता चले कि हमारे बाल किस तरह से दिख रहे हैं। देखें, जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैदर हो गया तो हम वापस ब्रश लेके इसको वाइट कलर यहाँ पे पेंट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ पर भी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कितना ईजीली हम लोगों ने फेस को इसमें ब्लेंड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन सारी लेयर्स को ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया और अगेन इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे कंट्रोल जे से और पुराने वाले ग्रुप को ऑफ कर देंगे। राइट क्लिक करके हम इसको कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट ताकि ये सिर्फ एक सिंगल फाइल बन जाए ताकि हम इस पर और काफ़ी मज़ीद इफ़ेक्ट्स लगा सकें। ठीक है, ये हो गया। अब हम जाते हैं अपनी, जब हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया हम जाएंगे फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद हम स्टाइलाइज में जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ऑयल पेंट। सही, अब हम इस पर ऑयल पेंट इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने ऑयल पेंट इफेक्ट अप्लाई किया इस पर इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई। हम इसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखूंगा और इसके ड्रेस पे आप ही देख रहे होंगे कि ऑयल पेंट इफेक्ट आना शुरू हो गया है। थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा के देखा मैंने, साथ साथ आप ये भी देखते रहिएगा कि फेस पे कि ज़्यादा फेक भी ना लगे। ठीक है, क्लीनलीनेस हम थोड़ी थोड़ी सी बढ़ाई, हम लोगों ने स्केल इसका थोड़ा सा बढ़ाया। ठीक है, सेट करके हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लेयर को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे ताकि हमारी जो ऑयल पेंट का जो इफेक्ट है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में प्रिजर्व हो जाए। राइट क्लिक करके हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। राइट, अब हमने क्या किया हुआ है, मैंने कि मैंने एक न्यू आर्टवर्क पे, एक न्यू फाइल पे एक आर्टवर्क रखा हुआ है। हम यहाँ पे लाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सेम चीज़ यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ लाके ड्रैग कर दिया। कंट्रोल टी से हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया। ठीक है, अब छोटा करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो फ्लोरल है वो इसके ड्रेस के ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके जो ब्राइड एंड ग्रूम की लेयर है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और हम अपनी फ्लोरल वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मास्क कर देंगे। ठीक है, मास्क करने के बाद क्या हुआ कि जो सिलेक्टेड एरिया था सिर्फ उस एरिया को वो विजिबल कर रहा है, तो हम इस मास्क को इन्वर्स कर देंगे कंट्रोल आई करके। ठीक है, ये हमारा मास्क इन्वर्स हो गया। इसी जो मास्किंग की लेयर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे वाइट पेंट कर देंगे
ताकि हमारे जो डॉट्स थे ये आ जाएं, विजिबल हो जाएं सिर्फ, ठीक है। और मैंने क्या किया भाई, एक टाइपोग्राफी बनाई हुई है छोटी सी, वो हमने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। अगर हमने कोई बैकग्राउंड ऐड करना है तो हम सिंपली बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा और इफेक्ट देने के लिए, और थोड़ा सा हमने इसको ऊपर भी कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। ये जो PhD है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप इसको डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो मैं ये लिंक इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल कीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।